हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बना रहे हैं मेथी और आलू की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पूरियां। ट्रैवलिंग के लिए, टिफ़िन के लिए, कभी नाश्ते में, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इन्हें बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बंच मेथी को यहाँ मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से वॉश करके बारीक कट कर लेंगे। 2 कप मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट तिल डाली है। अजवाइन डाल देंगे हम इसमें 1/2 चम्मच। हरा धनिया डाल देंगे खूब सारा, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक डाल देंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 चम्मच डाला है जीरा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास। और 2 उबले हुए आलूओं को हमें ग्रेट करना है। फ्रेंड्स, आलूओं को बॉईल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आलू जो है वो गलने नहीं चाहिए, थोड़े से पार्शियली आप इन्हें बॉईल करें ताकि ये जो है बाइंडिंग में इजीली बाइंड होंगे। मेथी जो हमने साफ़ करके रखी थी उसे चॉप करके डाल दिया है। सभी चीज़ों को पहले आपको ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि मेथी काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ करेगा। तो इस तरीके से आप पहले सूखा इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा मॉइस्चर आटे में लॉक हो जाए। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आपको इसका आटा लगाना है। पूरी का जैसा हम आटा लगाते हैं वैसा ही एकदम सख्त आटा आपको इसका गूंथ लेना है। पानी का इस्तेमाल इसमें मिनिमम करें। तो ये देखिए, इस तरीके से ये आटा जो है मैंने लगा के तैयार कर लिया है। काफ़ी सख्त आटा लगाया है, इससे पूरियां लंबे समय तक काफ़ी क्रिस्पी रहती है। हल्का सा हाथ को इसे मैंने तेल लगा लिया है और ऊपर से इसकी सरफेस पे हम ऐसे ऑयल लगा देंगे, इससे बेलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आगे सरफेस पे थोड़ा सा आप ऑयल लगा लें और एक मीडियम साइज़ का ऐसा मैंने डो बनाया है, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। ये जो पूरियाँ होती है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है और ज़्यादा मोटी भी नहीं, तो मीडियम आकार का आपको इसे गोल बेल लेना है, इजीली फैलेगी ये। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी ऐसे पूरियां आप बना लें, विड्थ इतनी ही रखें, बहुत ज़्यादा पतला या मोटा इसे ना करें। 3-4 पूरियां मैंने एक साथ बेल ली है, अब इन्हें हम गर्म तेल में फ्राई करेंगे। तेल का जो टेम्परेचर है मेक श्योर कि वो बहुत अच्छे से गर्म हो, नहीं तो ये जो पूरियां हैं ये ऑयल एब्जॉर्ब करती हैं। हल्का हल्का सा इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो पूरी जो है वो फूलने लगेगी। एट अ टाइम कोशिश करें कि आप एक एक पूरी तलें ताकि ये पूरियां अच्छे से भी फ्राई होंगी और फिर ये फूलेंगी भी प्रॉपरली। ये पूरियां काफ़ी क्रिस्पी बनती है, आप नाश्ते में, लंच में कभी भी इन्हें बनाकर ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी तरह की चटनियाँ अपने चैनल पे आपको मिल जाएगी, किसी के भी साथ ट्राई करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।